नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जल टेक फैक्ट चंदन में। मैं चंदन। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक फैक्ट शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब भी आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते होंगे तो आपकी स्टोरी कभी कभार कोई वेरीफाइड अकाउंट देख लेता है, यानी कि उसके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। और कभी कभार कुछ ऐसे अकाउंट देख लेते हैं जिसे आप पहचानते भी नहीं हैं, उसके भी फॉलोअर्स लाखों में होते हैं। पर यहाँ मैं आप लोगों के सामने एक रीजन बताऊँगा, यानी क्या इसके पीछे फैक्ट है कि वो आपकी स्टोरी देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे टाइम वेस्ट के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ सबसे पहले बात करते हैं, क्या सच में आपकी स्टोरी कोई वेरीफाइड अकाउंट सीन करता है? तो अरे इसका आंसर है नहीं। एक्चुअली कुछ ऐसे वेरीफाइड अकाउंट होते हैं वो बोट यूज करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ बोट कहने का मतलब ये है कि जितने भी वेरीफाइड अकाउंट होते हैं उन लोग चाहते हैं कि हमारी फॉलोअर्स लाखों में बढ़ते रहे डे बाई डे, इसलिए उन लोग कुछ ऐसे वेबसाइट को पैसे देते हैं। कुछ ऐसे कंपनियां होती हैं कि वो आपकी अकाउंट लेते हैं और आपकी अकाउंट के द्वारा उन लोग लाखों लाखों स्टोरीज सीन करते हैं एक एक दिन में। और ये काम क्यों करते हैं मैं चलिए आगे आपको बताता हूँ। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि उन लोग एक्चुअल में आपकी स्टोरी देखते नहीं हैं, वो स्टोरी देखा जाता है उन लोग बोट के द्वारा। यानी कि जितने भी कंपनियाँ होती हैं उन लोग ऐसे कुछ सिस्टम रखे रहते हैं कि वो आपके अकाउंट के द्वारा लाखों लाखों स्टोरी सीन कर देते हैं। और यहाँ एक्टिव यूजर्स कहने का मतलब ये है कि यदि जितने भी वेरीफाइड अकाउंट होते हैं उन लोग चाहें तो कंपनीज को पैसे देके एक एक बार में लाखों फॉलोअर्स ऐसे भी गेन करा सकते हैं। लेकिन वो सब जितने भी फॉलोअर्स आएंगे वो सब एक्टिव यूजर्स नहीं होते हैं, वो जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो सब बोट होते हैं। और यहाँ बोट कहने का मतलब ये है कि वो सब एक्टिव यूजर्स नहीं होते हैं, यानी कि वो सब फेक अकाउंट होते हैं। और सपोज यदि आप पैसे पेड करा के लाखों में फॉलोअर्स गेन भी करा देते हैं तो आप सब देखे होंगे कई सारे ऐसे ऐसे अकाउंट भी हैं कि उनके पास लाखों में फॉलोअर्स हैं लेकिन उनकी लाइक्स जो है बहुत कम आते हैं। यानी कि सपोज उनके पास 50 लाख फॉलोअर्स हैं तो उनकी लाइक्स मात्र 5-6 हज़ार आते हैं। तो ये सब काम इसलिए होता है क्योंकि उनके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो सब फेक फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि वो सब बोट होते हैं। और यही कारण होता है कि जितने भी वेरीफाइड अकाउंट होते हैं और कुछ पॉपुलर अकाउंट होते हैं उन लोग पैसे पेड करके फॉलोअर्स नहीं लेते हैं। और सपोज उन लोग फॉलोअर्स ले भी लेते हैं तो उनके पास लाइक्स नहीं आता है, कमेंट्स नहीं आता है। और आगे चलिए बात कर लेते हैं कैसे स्टोरी सीन करके, यानी कि कैसे स्टोरी देखकर उन लोग एक्टिव फॉलोअर्स ले लेते हैं। और यहाँ मैं आगे आप सबको बता दूँ कि जितने भी स्टोरी उन लोग सीन करते हैं उनके पास फॉलोअर्स कम होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनके पास फॉलोअर्स सिर्फ 500, 1000, 1500 तक हो। और उन कम फॉलोअर्स वालों को इसलिए ट्रैक करते हैं, सपोज आपने कोई स्टोरी डाला तो स्टोरी डालने के आप कुछ घंटे बाद चेक करते हो कि आपकी स्टोरी किसने किसने देखी। और यदि सपोज उसमें से कोई वेरीफाइड अकाउंट वाला बंदा देख भी लेता है तो आप उसकी स्टोरी पे नहीं कि आप उसके अकाउंट पे क्लिक करते हैं और अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं तो उसकी स्टोरी देखते हैं, फोटो देखते हैं। यदि उसकी फ़ोटो अच्छी भी लगती है तो आप उसकी फ़ोटो को लाइक करते हैं और सपोज उसकी सब फ़ोटो अच्छी भी लगी तो आप उसको फॉलो भी कर लेते हैं। तो ऐसे करके इन लोग दिन भर में लाखों स्टोरी सीन करते हैं। और सपोज लाखों में से 10,000 लोग भी फॉलो कर ले तो ऐसे करके उन लोग वहाँ से रियल फॉलोअर्स गेन कर लेते हैं, यानी कि रियल यानी कि एक्टिव फॉलोअर्स गेन कर लेते हैं। यहाँ पूरा मलबा सोच चुके कि कैसे स्टोरी सीन करके इन लोग फॉलोअर्स गेन करते हैं। यहाँ दिन भर में इन लोग लाखों स्टोरी सीन करते हैं। यदि सपोज 1 लाख में से 10,000 बंदे भी इन लोग को फॉलो करते हैं तो वहाँ से 10,000 बंदे जितने भी होते हैं वो सब रियल बंदे होते हैं। तो यार यही था मामला स्टोरी सीन करने के पीछे। आपको ये वीडियो कैसा रहा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।